बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बेहद भावुक तस्वीर के साथ। करतारपुर साहिब में 74 साल बाद मिले दो भाई। विभाजन के वक्त ये दोनों भाई बिछड़ गए थे और इनकी मुलाकात हुई करतारपुर साहिब में। बहुत ही भावुक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दो भाइयों का मिलन 74 साल बाद। एक मिनट की दूरी कर रहे हैं, ये दोनों भाइयों के 74 साल के बाद ये मिलन हो पाया। इतने साल जुदा रहे और करतारपुर साहिब की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर इन दो भाइयों का मिलन हुआ। एक मिनट की दूरी कर रहे हैं, देखो जी भरा पछाण लिया बाबे ने। 74 साल बाद गल बकरी पैन लगी है। ऐसी गल विभाजन के वक्त ये दोनों भाई बिछड़ गए थे और तभी से अलग अलग थे, और इनके आंसू कैसे छलक पड़े, और ये आंसू खुशी के आंसू थे। लेकिन ये तस्वीर देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। अच्छे हो गए, सिद्दीक और हबीब ये दो भाई जिनका मिलन हुआ 74 साल के बाद। सोचिए कितने भावुक लम्हे, कितने भावुक पल रहे होंगे ये दोनों भाइयों के लिए कि 74 साल तक आप एक दूसरे से मिले नहीं, आप बात नहीं कर पाए, और विभाजन के वक्त ये दोनों किस तरह से अलग हो गए थे, और उसके बाद ये मिलन होता है 74 साल के बाद। इतने सालों में तो आस ही नहीं रहती कि आप मिल भी पाएंगे कभी, लेकिन मिलन हुआ और ये लम्हे कितने भावुक हो गए ये दोनों भाई आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में। करतारपुर साहिब में इन दो भाइयों का ये मिलन और उसी की भावुक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पछाण लिया बाबे ने। 74 साल बाद गल बकरी पैन लगी है। ऐसी गल पास कि देखी थोड़ी तू कहने पड़ा छोटी पड़ा दे भले ही हम इन्हें नहीं जानते, आप भी इन्हें नहीं जानते, लेकिन ये दो भाई हैं, वो तो सोच ही सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गुजरा होगा इन दो भाइयों पर। अच्छे हो गए, एक मिनट की दूरी कर रहे हैं, देखो जी भरा किसी की भी आंखें नम हो जाएं इन भावुक तस्वीरों को देखकर, और आप देख रहे हैं जो लोग इनके साथ मौजूद हैं उनके चेहरे पर भी वो खुशी और वो सुकून पढ़ा जा सकता है कि दो भाइयों का आखिरकार ये मिलन हो पाया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।